अदब नमस्कार सत श्री अकाल। नागपुर से मैं अब्दुल शेख और आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ यानी सच्चाई की बुलंद आवाज़। अभी हम उत्तर नागपुर के ईटा भट्टा चौक पर खड़े हैं, जहां पर हजरत बाबा सैयद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो सवा उर्स मनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहां पर कम्प्लीटली 30 दिन की जो न्याज होती है, जो लंगर होता है, यहां पर सभी धर्म के लोग आते हैं, इस न्यास का, इस लंगर का पूरा फायदा उठाते हैं। और हमारे बीच में आज ऐसे ही कुछ दिग्गज राष्ट्रवादी कांग्रेस के लोग मौजूद हैं। नमस्कार, TNN 24 न्यूज़ में फिर एक बार आप स्वागत है। मैं हूं रियाज शेख, आप देख रहे हैं TNN 24 न्यूज़ चैनल पे ताज़ा तरीन खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया की वो ताज़ा तरीन खबरें जिसे आप देखना चाहते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए TNN 24 न्यूज़ रियाज शेख के साथ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर के जो उत्तर नागपुर के बहुत ही काबिल नेता जो माने जाते हैं, सोहेल पटेल जी हमारे बीच में मौजूद है और वसीम जी हमारे बीच में मौजूद है और सुरूर सिद्दीकी जी भी हमारे बीच में मौजूद है। तो आइए हम देर ना करते हुए सबसे पहले सुरूर सिद्दीकी से जानते हैं कि आज वो इस लंगर में शरीक हुए हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिग्गज नेता है। आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरूर सिद्दीकी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी सामाजिक न्याय विभाग में उपाध्यक्ष हूँ शहर में। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बीच में हाजी सोहेल पटेल जी भी मौजूद है और यहाँ पर आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप ये बताइए कि आप इस लंगर में आए हैं और लोगों को इस शुभ अवसर पर क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये हर बलाए नागानी सर से सरवर टल गई, जब कहा मैंने यह सरकार ताजुल औलिया। ये वो सरकार ताजुल औलिया का लंगर है जिसमें हमारे भाई इलियास अंसारी साहब, जो महाराष्ट्र में उपाध्यक्ष है पत्रकार संघ के, इनकी बहुत ही सराहनीय कदम है ये, जो दो साल से, और आज मुसलसल दो साल हो गए और ये तीसरा साल है जो हमारे भाई पूरा एक महीना जो लोगों को लंगर खिलाते, जो उनके बिसात होती है, उनके दोस्त भाई है, जो भी उनका ग्रुप है, ये मिलकर जो लोगों को एक महीना पूरा लंगर खिलाया जाता है, ये बहुत बड़ा कदम है। और नागपुर शहर में ऐसी कहीं जगह नहीं है जो यहाँ एक महीना लंगर चलाया जाता हो। और माशाल्लाह भीड़ देख ही रहे लंगर खाने के लिए, कैसे लोग आते हैं, हमारे जैसे लोग भी लाइन में लंगर के लिए लगे हुए हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम नागपुर शहर में रहते। राष्ट्रवादी कांग्रेस के उत्तर नागपुर के कार्य अध्यक्ष एक बहुत ही जुंझारू नेता मौजूद है, सुनील लांजेवार जी, जो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के एक दिग्गज नेताओं में इनकी भी गिनती आती है। तो आइए हम उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हजरत बाबा ताजुद्दीन के सवे उसके उपलक्ष में समाज में क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर, आपका TNN 24 न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मैं सुनील लांजेवार इस उत्तर नागपुर विधानसभा क्षेत्र का कार्याध्यक्ष हूँ और आपके TNN के माध्यम से तमाम नागपुर शहरवासियों को बाबा ताजुद्दीन के जन्मदिन के अवसर पर मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। और आज गणेश चतुर्थी भी है, आज गणेश जी भी विराजमान हो रहे हैं, उसकी भी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, नागपुर शहर एक ऐसा शहर है यहाँ सर्वधर्म समभाव के लोग रहते हैं और यहाँ के लोग एक मेक को अमन चमन की जिंदगानी जी रहे हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ इस नागपुर शहर के वासियों को कि हम अमन की जिंदगानी चाहते हैं और चमन का ख्याल रखना चाहते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, हमारे को हिंदू मुस्लिम लड़ाने की बात कहते हैं। आज मैं देख रहा हूँ यहाँ प्रभाग क्रमांक 3 में हमारे तुम्हारे TNN चैनल के और महाराष्ट्र पत्रकार संघ के ओर से इस रिंग रोड के ऊपर में लगातार एक महीने से यह भोजन दान का कार्यक्रम हो जा रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि हमारे मुस्लिम भाई और यहाँ के हिंदू भाई एक समाचार देना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग सब मिलकर यहाँ रहते हैं और मिलकर जो भी कार्यक्रम होता है उसका हम एक साथ मिलकर करते हैं। दूसरी बात, यहाँ उत्तर नागपुर में मेरे साथ में महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के महासचिव हमारे बड़े भाई सोहेल खान पटेल जी और एक इस वार्ड के जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लोगों के समस्या निपटने जाते हैं, वो हमारे सुरूर सिद्दीकी जी। मैं
यहाँ आपने मुझे बुलाया और मुझे दो शब्द बोलने के लिए वक्त दिया। मैं आपकी T19 चैनल TNN 24 न्यूज़ को